हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी चैनल में। दोस्तों मैं आज के वीडियो में बात करूंगा कि इंडियन नेवी में, दोस्तों इंडियन नेवी में चार्ज मैन की वैकेंसी आई है डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी वैकेंसी है डिप्लोमा होल्डर के लिए, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम बता दें कि इंडियन नेवी में चार्ज मैन की वैकेंसी आई है जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन आया चार्ज मैन मैकेनिक की, जो कि डिप्लोमा के लिए है। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो है केवल ऑनलाइन प्रोसेस द्वारा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। और दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी है जो है लेबर 6 की सैलरी आपको मिलेगी 35,400 से लेकर, ये देखिए सैलरी ये है। तो बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी है। दोस्तों हम जानते हैं इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी में जॉब पाना बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये आपके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए डिप्लोमा वालों के लिए, दोस्तों देख लेते हैं यहाँ दो वैकेंसी आई हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी चार्ज मैन मैकेनिक, इसकी पोस्ट देख लीजिए दोस्तों। जनरल के लिए हमारे पास है 41 पोस्ट, SC की 18 पोस्ट और ST की 6 पोस्ट, OBC की 28 पोस्ट है। और इसमें जो है EWS के लिए भी अलग से 10 पोस्ट दिया है, टोटल 103 पोस्ट है दोस्तों। इसके अलावा चार्ज मैन दूसरी जो वैकेंसी है जो कि केमिकल के लिए है, वो टोटल जो है अनरिजर्व मतलब जनरल की 25 है, SC की 13 है, ST की 7 है, OBC की 18 है और EWS की 6 है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं आगे जो है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो है पोस्ट का लिखा पोस्ट है चार्ज मैन मैकेनिक के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या योग्यताएं हैं इसके लिए दोस्तों। चलिए हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा जो भी है। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो हम यहाँ पर चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। चार्ज मैन मैकेनिक के लिए जो दोस्तों है उसके लिए जो है जो हमारा एजुकेशन है वो डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए किससे, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से हो, इसमें से कोई भी आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़रूरी बात है इसमें, इसमें जो है मिनिमम 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो इसलिए फ्रेशर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है केवल वही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए जिनके पास भी एक्सपीरियंस है वो जरूरी इसको अप्लाई करें, इसमें 100% चांस उनका हो सकता है, क्योंकि 2 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बहुत कम लोग होंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास अगर मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में किसी में भी डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें केवल जो है केमिकल, जिसके पास डिप्लोमा केमिकल से है वही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है। और इसके अलावा जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ये देख सकते हैं जो है ये सब जानकारी यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है जॉब प्रोफाइल। तो इसे इंडियन नेवी में है तो बहुत अच्छी जॉब है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं नीचे और देखते हैं आगे के प्रोसेस क्या है। दोस्तों एज की बात करें तो एज को आप ST तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC है तो 3 साल की छूट मिल जाएगी दोस्तों। और नीचे चलते हैं देखते हैं एग्ज़ाम फीस की बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम फीस की हम बात करते हैं दोस्तों। तो एग्ज़ाम फीस जो है आपकी जो है, अगर आप SC ST हैं तो आपको या वोमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, उसके अलावा सबके लिए 205 रुपये फीस है। तो दोस्तों ज़्यादा फीस भी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर वो तो बाद में देखा जाएगा दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको जो है सिलेबस के लिए आपको जो है पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है दोस्तों, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो है कंप्यूटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन 1 जो है आपका, सेक्शन 1 जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज का है। तो सेक्शन 1 जनरल नॉलेज का है, इसमें आपको जो है पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करेंट अफेयर पूछा जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं जो है ये करंट अफेयर के बाद जो है सेक्शन टू जो होगा जो क्वांटिटी और एप्टीट्यूड होगा, इसमें जो है क्या है, इसमें बेसिक मैथमेटिक रहेगा जिसमें ये सब सिलेबस दिया है, टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस, तो आप सिलेबस पूरा देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद सेक्शन थर्ड जो होगा इंग्लिश का होगा, बेसिक ग्रामर होगा दोस्तों ये तो। इसके बाद सेक्शन फोर भी होगा फिर जिसमें टेक्निकल होगा जो अप्लाइड साइंस एंड टेक्निकल जो होगा फिजिक्स होगा ये सब सिलेबस है। तो सिलेबस की बात अलग है दोस्तों, वो तो अभी फार्म अप्लाई होने के बाद भी हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अगर आपके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, पोस्ट भी अच्छी खासी है और इंडियन नेवी में है। तो दोस्तों चलिए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं फार्म जो है कब से अप्लाई हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है देख लीजिए यहाँ पर फार्म जो अप्लाई करने की डेट है, अप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, ये होगा 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से आपका अप्लीकेशन स्टार्ट होगा दोस्तों, 16 अप्रैल से जो है आप अप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी क्लोजिंग डेट जो है, क्लोजिंग डेट हम आपको दिखाते हैं, क्लोजिंग डेट 28 अप्रैल है। तो दोस्तों समय बहुत कम है, 16 से 28 तक जो है केवल अप्लीकेशन अप्लाई करते हो। तो दोस्तों आप ज़रूर अप्लाई करें, और दोस्तों हम आपको बता दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे होगा कि जब ये 16 अप्रैल को फार्म अप्लाई होना चालू करेगा मैं तुरंत जो है फार्म एक अप्लाई करके पूरा कंप्लीट वीडियो डालूंगा, तो आप उसके द्वारा जो है आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते दोस्तों। क्योंकि इंडियन नेवी का फार्म है, इसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो इसलिए मैं जैसे बताऊँगा वैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा, 100% आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो अभी फार्म 16 अप्रैल से चालू होगा, तो दोस्तों अभी नोटिफिकेशन केवल आया है, चार्जमैन की अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन का ऑनलाइन केवल एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस क्या है, प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर है कि आपको www.joinindiannavy.gov.in पे जाना है, वहाँ पे जो है आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, ये आपको जो है वैकेंसी मिल जाएगी चार्जमैन मैकेनिकल और दूसरी वाली जो है, तो वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी 16 अप्रैल को लिंक एक्टिवेट होगा दोस्तों, तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। और देख लेते हैं दोस्तों इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दोस्तों फ़ोटो की साइज़ जो है, मतलब आपको एप्लीकेशन जो फार्म अप्लाई करना है बहुत सावधानी से अप्लाई करना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो एडमिट कार्ड नहीं आता, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, जिससे कि 16 अप्रैल को ही मैं इसका वीडियो एक अपलोड करूंगा जिसमें कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाई जाएगी कि एप्लीकेशन को कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों वो वीडियो ज़रूर देखें, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं, तो ये डिप्लोमा होल्डर के लिए जो है बहुत अच्छी वैकेंसी है जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो है नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे जो है आप इसको डाउनलोड करके आप पूरा जो है पढ़ सकते हैं, इसमें सारी सिलेबस वलेबस आपको मिल जाएगी। तो मेरा उद्देश्य था आपको बस बताना कि वैकेंसी आई है जो है 16 से स्टार्ट होगी, तो 16 आप जो है इसे अप्लाई करना ना भूलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले लड़के कम होंगे, इसमें चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।